हेलो क्लास 12th, आगे का जो है दो लेसन आप लोगों ने पढ़ चुका है जिसमें आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है। आज जो है मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो पढ़ा चुके हैं, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट लेसन हम लोग का जो है वो जो नेक्स्ट लेसन जो हम लोग का है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आखिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है यह आपका लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और दिया भी इसीलिए है कि आगे मेडिकल में जो है इसके बारे में जो भी जानकारी आपको मिलेगी तो आप जो अभी से पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे आसानी रहेगी, प्लस में जानकारी जरूरी है। मेल और फीमेल जो गैमेट जहाँ बनते हैं जिसे हम लोग सेक्स सेल कहते हैं, आखिर ह्यूमन के थ्रू बताया गया कि आपका सेक्स सेल जो होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं तो बनाने वाले ऑर्गन कौन से हैं, वो कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो उसको बताने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने इस लेसन को दिया हुआ है जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे कि पहला जो मेल गैमिट्स हम लोग का कहाँ बनता है। तो मेल गैमिट्स जो बनता है जहाँ वहाँ वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए देखा जाए, यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है एक स्ट्रक्चर है। अब ये जो होता है ये पोजिशन जो होता है टेस्टी जो होता है और थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं हिसाब से अपने हिसाब से। तो ये आपका जो है ये टेस्टिंग है जो पेयर्स में होता है, ये इसका ऊपर का कवर है जिसे हम लोग स्क्रोटम या टेस्टिस सैक कहते हैं। यहाँ से एक लेयर ये जो जाता है जिसे हम लोग एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये आपका जो है पतला पाइप निकल रहा है जिसे वास डिफरेंस कहते हैं। ये ऊपर जो है किडनी से और यूरेटर से जुड़ा होता है जो आपका जो है हाइड्रोजनस वेसिस यहाँ पर आता रहता है। इसमें आपका वन पेयर एन पेयर्स में होता है, वन पेयर प्रोस्टेट ग्लैंड, वन पेयर आपका जो है वल्वोरेक्टल ग्लैंड्स होता है और ये जो मासल एरिया वाले से पेनिस करते हैं जिस पर आपका ब्लड साइनसेस होते हैं जो ब्लड इसमें भरे जाते हैं। ये जो होता है आपका हेड ऑफ ग्लैंड्स होता है। अब होता क्या चीज है, तो इस टेस्टिस के भीतर जो है आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है 250 की संख्या में। उनके भीतर का जो स्तर होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के भीतर जो होता है दो मेन लेयर होते हैं, एक मेल जर्म सेल होता है, एक सर्टोली सेल होता है। तो मेल जर्म सेल जो होता है जो मेल हार्मोन्स होता है जैसे हम लोग एंड्रोजन्स जैसे हम लोग एंड्रोजन्स कहते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में कन्वर्ट कर देता है उसको। और सर्टोली सेल क्या करता है, यानी कि आपका यही एंड्रोजन्स हार्मोन्स यहाँ आता है तो स्पर्म बनते हैं। यानी स्पर्म बनाने वाला भाग क्या है, मेल जर्म सेल होता है, फिर उसको न्यूट्रिशन देने वाला काम सर्टोली सेल करता है। तो ये के भीतर का जो स्ट्रक्चर होता है। अब चूंकि जो है इसमें आपका यह जो मेल हार्मोन्स होता है वो आता कहाँ से है, तो हम लोग के ब्रेन से जो मेडुला ऑब्लॉन्गाटा है, तो मेडुला ऑब्लॉन्गाटा से जो आपका सीधे वेसल्स यहाँ से यहाँ पर टच है जहाँ पर एंड्रोजन्स हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स देता है और इसी हार्मोन्स की वजह से आपका क्या होता है, ये हार्मोन्स बहुत काम करता है। एक हार्मोन्स ये हार्मोन्स तो आपका स्पर्म बनाया और साथ में क्या करता है, बॉडी को डेवलप करने का भी काम करता है। मूवमेंट कैसे होता है, कैसे जब बन जाता तो निकलता है, ये लगभग 200 से 300 मिलियन 200 to 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं और मूवमेंट भी करते हैं तो मे भी उतने ही आपके मूवमेंट करते हैं, तो 60 और 40 के रेशियो में बट कर जो है अटैक करते हैं ओवम पर। अब ये कैसे मूव करता है, इसमें आपका सबसे पहले जो निकलेगा तो वो आपका जो होगा रीटी टेस्टिस यानी रीटी टेस्टिस, फिर रीटी टेस्टिस से आगे जाएगा तो इसके भीतर वासा इफरेंसिया है, फिर वासा इफरेंसिया से आएगा तो एपिडिडाइमिस, फिर एपिडिडाइमिस से आएगा तो वास डिफरेंस पर आएगा या वास को या वासा को बातें की है वास इफरेंस, फिर उसके बाद से आएगा मेसोबेरियम में, फिर मेसोबेरियम से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से और ये होता हुआ यूरेथ्रा से बाहर निकलेगा। अब जब स्पर्म यानी कि ये जो होता है वो शरीर से बाहर होता है तो
आपका जो हम लोग के जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसको -2 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो ये लगभग 35 डिग्री सेल्सियस यानी टेस्टिस का होता है, 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जब ये आगे जाते हैं तो यह विजिबेरियम क्या करता है, सीमन बनाता है यानी प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है, जो जो स्पर्म होता है वो आपका क्या, वो जो लिविंग सेल है ना, तो उसको एनर्जी चाहिए और उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसमें फ्रक्टोज होता है आपका जो है, कुछ स्लेश्म होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिसके कारण जो है ये आपका ये 75% और प्रोस्टेट 25% सीमन बनाता है। अब ये जो होता है आपका जो है बर्बोरेटर ग्लैंड जो होता है वो आपका काम क्या करता है, तो इसमें आपका यह म्यूकस देता है जो इसको क्या करता है, लुब्रिकेंट बनाता है कि आसानी से ये स्लिप करके आउट हो जाए, ठीक है। और साथ में जो है कुछ एंजाइम्स भी देते हैं जो इनके साथ मिलकर, इनके साथ मिलकर जो फीमेल बॉडी में जो इन करे तो सीमन का क्लाट्स कर दे और जिसके वजह से आपका स्पॉन फ्री हो जाए। अब होता क्या चीज़ है कि इसमें ये बलबूथर जो क्या करता है, इस कैनल को सेफ भी करता है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो यूरिन भी निकलेगा और यूरिन भी निकलेगा तो इसको भी जो है क्लियर करने का काम ये करते हैं, क्लियर है। तो ये आपका जो है मैकेनिज्म के रूप में, मैकेनिज्म के रूप में आप ऐसे पढ़ सकते हो, रिगिड टेस्टिस से मूवमेंट करेगा वासाई फ्रेंसिया, वासाई फ्रेंसिया से मूव करेगा एपिडिडाइमिस, फिर एपिडाइमिस से मूव करेगा तो वासिफ्रेंस से मूव करेगा तो सेमिनल वेसिकल्स, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स आपका, फिर यहाँ से यथा से आउट हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना ही, और इसमें कोई भी टॉपिक अगर समझ नहीं आता है तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा और इसका जो आगे का पार्ट्स अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ओके।